सो हे गाइस, दिस इज साइबरिशी बैक हियर विद योर न्यू वीडियो। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपने चैनल पे डाल रहे थे पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स, तो ये है उसकी नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं अनॉनसर्फ के बारे में, जिसको हम लोग अगर फुल फॉर्म बोले तो होगा इसका अनोनिमस सर्फ। सो आज इसके बारे में बात करेंगे। ये पूरी की पूरी वीडियो डेडिकेटेड है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपने नहीं देखा तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर मिस कर देंगे, जो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। और स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनॉनसर्फ के बारे में कि ये करता क्या है, क्या इसके यूजेज होते हैं। सो बेसिकली बाय दिस टूल वी कैन एनोनिमाइज आर सिस्टम विथ टॉर आईपी टेबल्स एंड वी कैन स्टार्ट और स्टॉप I2P और वी कैन से उसको ये भी बोल सकते हैं IIP, जो कि होता है इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। सो बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया। इसकी और ज़्यादा फर्दर डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर डिस्क्रिप्शन को चेक करें, उसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। तो आप करते हैं इसको स्टार्ट, कि हमें स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा। तो पहले बात तो नेट कनेक्ट होना चाहिए। ये मैं वर्चुअली चला रहा हूँ अपना पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैंने अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट करा हुआ है। तो पहले आ जाते हैं हम लोग इसको स्टार्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास होता है, हम यहाँ से इसको स्टार्ट, स्टॉप, चेंज एग्जिट नोड, चेक आईपी, ये सब कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पे, ये इसका टर्मिनल से जाके। सो अगर आप पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये आपको पहले से डिफ़ॉल्ट मिलेगा, बट अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये पहले से नहीं मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा वहाँ से टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको गिटहब पे ईजिली मिल जाएगा, अनॉनसर्फ नाम से ही होगा वहाँ पे भी। सो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये एक प्लस पॉइंट है कि पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये पहले से ही आता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जब आप जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे VPN कनेक्शंस, तो यहाँ पे आप VPN कनेक्शंस भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। तो ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बता दी कि आप यहाँ से VPN कनेक्शन भी अपने ले सकते हैं, और मैं इसको कर देता हूँ उसे कैंसिल। सो अब बात करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। अब स्टार्ट आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं और यहाँ हम टर्मिनल से भी कर सकते हैं। तो हम पहले टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग कमांड लगाएंगे यहाँ पे ANON एनॉन, उसके बाद SURF सर्फ, और एक एंटर मारेंगे और देखेंगे कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हमें मिलते हैं। तो बहुत लोग ये सब चीज़ें स्किप कर देते हैं, बट यार स्किप मत करा करिए, इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। थोड़ी इसके बारे में डिटेल्स मिल गई और इसके यूसेज वगैरह के बारे में। तो यहाँ स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट सब कुछ है, तो हम यूज़ करेंगे। और अभी मैं आपको एक चीज़ करके दिखाने वाला हूँ जो मुझे पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम की काफ़ी अच्छी लगती है। तो जब मैं इसको यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, START स्टार्ट, तो ये मुझे एक मैसेज देगा यहाँ पर। पहले तो ये पासवर्ड मांगेगा, ये पहले मैं यस कर देता हूँ। ये मेरे से यहाँ से पासवर्ड मांग रहा है, मैं दे देता हूँ TOOR, ये जो बेसिक पासवर्ड होता है टूर, और मैंने कर दिया एंटर। यहाँ पे एक मैसेज मेरे को ये देगा जो है ये, यूज़र आर यू ड्रंक, दिस स्क्रिप्ट मस्ट बी रन एज अ रूट। तो यार ये पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा अलग सा ही है, पता नहीं क्या इन्होंने प्रोग्रामिंग करी है। यहाँ पे भी कभी कभी मैसेज देता है काफ़ी अच्छे अच्छे, सो ये थोड़ा इसका सैवेज टाइप का लगा। सो अगर आप रूट यूज़र नहीं है तो यहाँ पे हमें कमांड लगानी पड़ेगी SUDO sudo, जो सुपर यूज़र की कमांड होती है। उसके बाद ये एनोनिमस स्टार्ट, एक सेकंड में यहाँ पे लगा देता हूँ SUDO, और उसके बाद जब मैं एंटर हिट करूँगा तो ये यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट अनॉनसर्व टू किल डेंजरस एप्लीकेशन एंड क्लीन सम एप्लीकेशन कैशेस यू, सो यस, एंड यहाँ पे कर देगा। उसके बाद आप एक चीज़ और ज़रूर ध्यान दें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे बताता है वो भी बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। उनको बस मतलब होता है कि हमारा ये एप्लीकेशन या टूल जो भी है काम कर जाए, बट यार स्किप नहीं करनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए कि वो क्या बता रहा है। सो ये बता रहा है स्टॉपिंग सर्विस NSCD। सो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पहले मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने इसके बारे में डिटेल्स निकाली, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। उसके बाद ये दो तीन चीज़ें बताएगा, जैसे सर्विस ये रिजॉल्व CONF, उसके बाद ये Dnsmasq। सो इसके बारे में नहीं पता होगा तो यार आगे चल के में प्रॉब्लम होगी। सो उसके बारे में जो रिटर्न डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अभी आपको मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो है NSCD। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेम सर्विस कैश डीमन।
और इसका काम ये होता है कि ये जो कैश वगैरह के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे जब हम ये ऑन करते हैं तो वहाँ से वो सारी डिलीट कर देता है। और जो इसकी रिटर्न इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पूरी थॉरली रीड कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा ये रिजॉल्व VCONF। सो इसके बारे में बेसिकली ये है कि ये एक सिंपल डेटाबेस है और नेम सर्वर वगैरह के बारे में है, और ज़्यादा मैं बताऊँगा इसके अंदर तो वीडियो लंबी हो जाएगी और इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसी के ऊपर अपना सारा का सारा ध्यान दे दें, बट हाँ हमें इसकी नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। और लास्ट हमारा आ जाता है सो DNSMSQ सपोर्ट करता है लिनक्स, मैक ओएस और साथ के साथ एंड्रॉयड को भी, और ये DHCP जो कि हमारा होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर, इन सब के अंदर यूज़ वगैरह काम इसका होता है। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने वहाँ पे आराम से लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जब ये सब कुछ हो चुका उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यू आर अंडर Anonsurf टनल, तो मतलब हम अभी एनोनिमसली सर्फ करेंगे जो भी हम करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं फायरफॉक्स पे और एक बार अपनी IP चेक करते हैं। मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद हम पहले अपनी IP चेक करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसने हमारी IP क्या चेंज करी है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, मैं इसको यस कर देता हूँ। हम वापस जाते हैं फायरफॉक्स में और यहाँ पे मैं एक न्यू टैब में यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़ माय IP। सो आप देख सकते हैं अभी मेरी IP की डिटेल्स आ रही है इंडिया की, ऑलमोस्ट इसने सारी डिटेल्स मुझे दे दी। बट अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ और एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, इस प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कमांड START स्टार्ट, और फिर हम लोग अपनी IP देखेंगे कि क्या चेंज हुई है। सो अब आप देख सकते हैं हमारी IP बता रहा है ये वाली, और उसके बाद कंट्री बता रहा है, मतलब जगह बता रहा है वॉशिंगटन। सो यहाँ पे ये चेंज कर चुका है। सो अब हम कुछ भी सर्व करेंगे तो हमारी IP जाएगी वहाँ की, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। अब हम एक चीज़ और सीखते हैं इसके अंदर, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, और वापस से हम लोग एक बार Anonsurf के बारे में इसकी कमांड्स देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट, हम कर लेंगे चेंज आईडी, हम लोग करके देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चेंज आईडी हम जब यहाँ पे करेंगे, सुपर यूज़र आपको लगाना पड़ेगा CHANGE और ID, चेंज आईडी मैंने किया। अब यहाँ पे मैं कंट्री का नाम डाल सकता हूँ जो मेरे मन में है, और अगर आपको नहीं पता कौन सी कंट्री आप डालें, मतलब आप जब खेल रहे हो, सो आप कुछ मत करिए, इस पर एंटर कर दीजिए और एक और बार एंटर कर दीजिए, तो अपने आप आपको ढेर सारी कंट्रीज़ के नाम बता देगा कि आप ये लोग डाल सकते हैं, ये सब देख सकते हैं आप, ये हम लोग डाल सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं अमेरिका, डालते हैं हम लोग यहाँ पे AMERICA अमेरिका, और यहाँ पे ये बता दिया कंट्री कोड, हाँ, और ये चल चुका। सो अब हमारी जो IP है, हमारा जो एड्रेस है वो अमेरिका का हो जाएगा। और हम सब देख चुके कि कैसे यूज़ करना है Anonsurf टूल को, या फिर इस फीचर को Anonsurf जिसका नाम है, अपने पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आप काले लिनक्स चलाते हैं तो उसके अंदर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गेटअप से, जिसका नाम भी यही होगा Anonsurf, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी चीज़ें लेके आता रहता हूँ, पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड एथिकल हैकिंग में या फिर कंप्यूटर्स में, सो आप वीडियो के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे आके मेरे से पर्सनली आके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। सो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।